आज हम आए हुए हैं ग्राम रतनपुर रियाया की ग्राम पंचायत में, और ये प्राथमिक विद्यालय है रतनपुर जो ग्राम है वहाँ पर। और आज हम यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं ये आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार गांव में जो है कभी कसार कभी कुछ कुछ वस्तुओं का वितरण किया जाता है, तो काफ़ी सारी योजनाएं आती रहती हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि क्या आप तक भी ये योजना पहुंच चुकी है या नहीं। तो आज समूह सखी जो होती हैं उनके द्वारा इस ग्राम में राशन का वितरण किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जगत सिंह जी, बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यों के बारे में भी आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे जब हम अपने ग्राम रतनपुर रियाया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या राशन यहाँ वितरित किया जा रहा है और कौन कौन से वो लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आइए ये सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। थैंक सखी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा ये राशन वितरण किया जा रहा है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रुचि रानी, मैं ग्राम गंजालपुर की रहने वाली हूँ। मैं बैंक सखी के पद पर कार्य करती हूँ PNB बैंक में। अच्छा, तो आज ये जो राशन वितरण हो रहा है ये जो योजना है इसमें लाभार्थी कौन कौन रहेंगे? इसमें गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चे। गर्भवती धात्री को 2 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 रिफाइंड का पैकेट, और जी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को भी 1.5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 1 रिफाइंड का पैकेट, 1 दाल का पैकेट, और 3 से 6 वर्ष के बच्चे को 500 ग्राम दाल, 1 किलो चावल, 1.5 किलो गेहूँ, ये सब मिलेंगे। तो देखिए आज यहाँ पर राशन वितरित किया जा रहा है। राशन वितरित किया जाता है हर महीने होता है या कभी कभी होता है? ये जैसे ही हमें ऊपर से ब्लॉक से मिलता है वैसे ही हम वितरण करने आ जाते हैं। अच्छा, तो आपकी बार यहाँ पर कितने दिनों बाद वितरण हो रहा है लगभग? ये मार्च में दूध और घी वितरण हुआ था, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट हो गया बीच में, इसलिए अब ये मई में हो रहा है वितरण। अच्छा, प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम थोड़ी सी, जो लगातार अपने ग्राम पंचायत का विकास करने में लगे हुए हैं और जितनी भी योजनाएं आती हैं उन्हें लागू कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें सभी ग्रामवासियों के भी उनका सहयोग करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। मेरा नाम जगत सिंह है, मैं अभी हाल ही में ग्राम प्रधान नियुक्त हुआ हूँ रानीपुर और रतनपुर का। जी, तो जैसे आज ये योजना है आप यहाँ राशन वितरण करा रहे हैं, तो आप स्वयं अपनी उपस्थिति में ये करा रहे हैं अपने दिशा निर्देश अनुसार, तो जैसे दूसरे ग्राम में भी होगा तो क्या वहाँ भी आप जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं दोनों ही गांव में सुपरवाइज करूँगा। मेरा दायित्व है कि हर गांव में हर किसी असहाय लोगों को और जो गर्भवती महिलाएँ हैं और छोटे बच्चे हैं उनको जो सरकार ने दी है राशन की सुविधा है वो उनके घर घर पहुंचना जरूरी है। लोग बिना मास्क के आए थे, ये बहुत ही अच्छा है कि प्रधान जी अपने साथ मास्क लेके आए और उन्होंने न केवल उन लोगों को समझाया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बल्कि उन सबको मास्क भी स्वयं वितरण किए हैं। गांव की जल्दी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और उसमें अपने प्रधान जी के कार्यों का विवरण और उनके आने वाले 5 वर्षों की क्या क्या योजनाएं रहेंगी। आइए इस रतनपुर गांव के एक निवासी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं ग्राम रतनपुर का निवासी हूँ। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है तो आपने भी लिया है क्या राशन? नहीं, मैं दरअसल शिक्षक की। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है जो ये कार्य हो रहा है, ये जनसेवा का कार्य? अच्छा लग रहा है, ये युवा हमारे ग्राम प्रधान बने हैं, इनसे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, पुताई भी करा दी उन्होंने सड़कों पर, बहुत अच्छा। तो ये खुश हैं ग्राम प्रधान जी के कार्य से और जो राशन वितरण हो रहा है। एक शिक्षक हैं लेकिन ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि उन्हें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ लाभार्थी भी आए, आइए कोशिश करते हैं उनसे भी बातचीत करने की। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम मिथिलेश है। अच्छा, रतनपुर की रहने वाली। अच्छा, तो आप यहाँ पर ये राशन लेने आई हुए हैं, तो आपके यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं? गर्भवती भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो जैसे आज यहाँ पर ये राशन वितरण हो रहा है, पहले भी हुआ है क्या आपके गांव में? हाँ, पहले भी हुआ। तो अच्छा, इसमें जो राशन मिलता है वो कैसी क्वालिटी होती है उसकी? अच्छी होती है? अब ये तो यह ठीक ही होती है, जब बच्चों का खाना आ रहा है तो ठीक ही है जी। तो आज जैसे प्रधान जी आज अपनी देख रेख में स्वयं ये कार्य करा रहे हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ है क्या? तो जो लाभ कई बार प्रधान जी आए हैं, राशन बंटवाया आपको प्रधान जी ने? जी। तो पहले भी यहाँ पर अच्छा कार्य होता है और अब भी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और प्रधान जी का यही लक्ष्य है कि कोई भी लाभार्थी रहने ना पाए, इसलिए वह स्वयं अपनी निगरानी में यहाँ पर ये कार्य करवा रहे हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको ये दिखाया है, आप लोगों के भी ग्राम में अगर ये राशन वितरित हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी तक नहीं हुआ है तो आगे ध्यान दीजिए क्योंकि ये राशन इस समय वितरित हो रहा है। तो नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सुरेश कुमार। तो आप के घर में लाभार्थी कौन है इस समय? लाभार्थी किसान PM के भी तो मिल रहे थे, कई सारे 3-4 हैं। अच्छा, हमारे भाई है 2। अच्छा,
तो जितने भी लाभार्थी हैं सबके राशन मिला है आपको? राशन सबको मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, जो नव निर्वाचित प्रधान जी है उनका कार्य कैसा लग रहा है अभी आपको? ये तो आगे पता लग रहा है, अभी तो इन्हें शपथ भी नहीं मिली। अच्छा, अभी तो आधे में है, आधे कच्चे हैं अभी ये। जी जी, लेकिन शुरुआती दौर में जैसा कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। हाँ, जो कह रहे लोग ठीक है, जो उम्मीद है लोगों की उस पर खड़े उतरने चाहिए जी। जो हम लोगों को उम्मीद है में जो कार्य कर रहे हैं उससे लग रहा है आपको कि आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? हाँ, हो तो रहा, काम तो हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है तो खुश हैं आप? हम तो जी। तो देखिए, इन्हें लग रहा है कि प्रधान जी इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। हम जल्दी आपको यहाँ के प्रधान जी का एक इंटरव्यू भी अपने वीडियो में डालेंगे और उनसे बातचीत कराएंगे और कोरोना काल में कैसी रही है इन इस ग्राम पंचायत की स्थिति उससे भी आपको अवगत कराएंगे अपनी अगली वीडियो में, जब हम गांव-गांव की ग्राम रिपोर्ट अपनी वीडियोस में डालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।